तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों आज बात करेंगे टीजी टू न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चंस 2023 और आज का जो कि चैप्टर है यानी कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का आज पार्ट 3 होगा। इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, वहां से सारा वीडियो वॉच कर लीजिए अगर टीजी टू में पास होना है तो, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो करा रहे हैं दोस्तों एक्सेप्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं जो इस बार टीजी टू में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा, साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप का, इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको यानी कि बारी बारी से उस पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न जो दिया हुआ है यानी कि नियंत्रक टॉर्क के लिए स्प्रिंग नियंत्रण विधि है। ठीक है, ऑप्शन ए पढ़ेंगे प्रायः प्रयोग होता है। ठीक है भाई, तो प्रायः तो प्रयोग होता ही है। बी में कह रहा है कभी कभी प्रयोग होता है, तो कभी कभी प्रयोग नहीं होता है, प्रायः प्रयोग होता है। सी में हमेशा प्रयोग होता है, हमेशा भी प्रयोग नहीं होता है, कभी भी प्रयोग नहीं होता, होता है, प्रायः प्रयोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आज का अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है स्प्रिंग नियंत्रण यंत्र के लाभ है, यानी कि स्प्रिंग नियंत्रण यंत्र जो है इसका यानी कि लाभ क्या है वो बताना है। ऑप्शन पढ़ेंगे ए में कह रहा है इस पर यानी कि फेंटिंग का असर होता है, तो ये तो लाभ नहीं हुआ जब असर होता है। तो बी में कह रहा है नियंत्रक टॉर्क आसानी से समायोजित किया जा सकता है। सी में है क्योंकि स्प्रिंग भार में हल्की होती है इसलिए गतिमान निकाय के भार में कोई वृद्धि नहीं होता है। तो राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। डी में दिया है तापमान बढ़ने से नियंत्रक टॉर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एकदम पड़ता है तापमान बढ़ने से। अगले चलेंगे, अगला प्रश्न दिया है ग्रेविटी नियंत्रण विधि के लाभ ये है, यानी कि ग्रेविटी नियंत्रण विधि का जो लाभ है क्या क्या है वो हमको बताना है। ऑप्शन पढ़ेंगे ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, ठीक है, ए में कह रहा है ये देखने में सुंदर होता है, बी में कह रहा है यह सरल नहीं होता है, सी में कह रहा है तापमान से प्रभावित नहीं होता है। तो मेन लाभ जो यही है दोस्तों यानी कि ग्रेविटी नियंत्रण विधि का, इस पे तापमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बी में दिया है फेंटिंग का असर नहीं होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आज का अगला प्रश्न दिया है ग्रेविटी नियंत्रण विधि का दोष है, उसमें क्या पूछ रहा था लाभ और इसमें पूछ रहा है दोष, तो समझ सकते हैं यानी कि कितना एमआई क्वेश्चंस है। तो आप लोग जरूर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। ए में कह रहा है इसे ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखना पड़ता है, एकदम ठीक है भाई, ग्रेविटी नियंत्रण विधि को ठीक है ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही रखते हैं। ठीक है, बी में कह रहा है यह भार में हल्की होती है, ये तो यानी कि लाभ हुआ, ये तो दोष नहीं हुआ। स्केल एक समान बड़ी होती है, ठीक है भाई, भी तो लाभ है, या आकार में बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन दोष की अगर बात किया जाए तो उसको एक ही दोष है कि ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही रखना पड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है एसी ऊर्जा मीटर की डिस्क की कंपन नियंत्रित करने के लिए डैश द्वारा डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न किया जाता है, और दोस्तों यानी कि डैम्पिंग टॉर्क की बात कर रहे हैं, कौन सा, और डैम्पिंग टॉर्क, और डैम्पिंग टॉर्क जो उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, ये जो उत्पन्न किया जाता है यानी कि एडी करंट द्वारा, एडी करंट के द्वारा। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया एडी करंट, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन दिया मूविंग कॉयल यंत्र डैश है, ऑप्शन ए में कह रहा है अस्थायी चुंबक प्रकार के होते हैं, बी में कह रहा है यानी कि डायनेमोमीटर प्रकार के होते हैं, सी में कहा इंडक्शन प्रकार के होते हैं, और डी में कहा अस्थायी चुंबक और डायनेमोमीटर प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी भी होता है, डायनेमोमीटर प्रकार के भी होते हैं। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मूविंग कॉयल यंत्र डैश पर प्रयोग किया जाता है, यानी कि मूविंग कॉयल, कौन सा, मूविंग कॉयल। और देखिए जब ये कॉयल आया ना, तो एक ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए जब ये कॉयल आएगा तो समझिएगा एसी को भी मापेगा और डीसी को भी मापेगा, ठीक है, मूविंग कॉयल यंत्र एसी को भी मापेगा और डीसी को भी मापेगा। ऑप्शन पढ़ेंगे एसी और डीसी जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आज का, यानी कि एमसी यंत्र की तुलना में एमआई यंत्र की लागत है, एमसी के तुलना में एमआई का कह रहा है, और एमसी के तुलना में दोस्तों एमआई का जो यानी कि लागत है वो इसके अपेक्षा, एमसी के अपेक्षा यानी कि एमआई का जो होता है यानी कि लागत कम है, ठीक है ना, इसके अपेक्षा की अगर बात किया जाए एमआई से तो इसका लागत जो है यानी कि कम है। ऑप्शन पढ़ेंगे अधिक होता है, अधिक नहीं होता है, यानी कि कम होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, राइट आंसर बी सही हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसी यंत्र की शुद्धता एमआई यंत्र की तुलना में है, यानी कि अब पहले जो है यानी कि लागत पूछ रहा था दोनों की अपेक्षा में, अब यानी कि तुलना कर रहा है कि यानी कि किसका यानी कि शुद्धता सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। ए में दिया हुआ है यानी कि अधिक होता है, तो यानी कि एमसी यंत्र की शुद्धता एमआई यंत्र से तो अधिक होता है, एकदम ठीक है भाई, एमआई का थोड़ा कम होता है इसकी अपेक्षा, समान नहीं होता है, नहीं कम होता, ये जो होता है अधिक होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसी यंत्र ऑप्शन ए में दिया हुआ है यानी कि मजबूत होते हैं, क्या कह रहा है ऑप्शन ए में यानी कि मजबूत होते हैं, बी में कह रहा है शुद्ध होते हैं, सी में कह रहा है यानी कि कम शक्ति खर्च करते हैं, ठीक है भाई कम शक्ति तो कम खर्चता ही है और शुद्ध भी होता है और साथ ही साथ मजबूत भी होते हैं, तो यानी कि उपयुक्त तीनों गुण मौजूद होते हैं, तो राइट दिया है ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों गुण इसमें होता है एमसी टाइप में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एमसी यंत्र की तुलना में एमआई यंत्र की खपत डैश होती है, यानी कि एमसी से तुलना करना है किसका यानी कि एमआई का और भी यानी कि खपत का, और इस दोनों की अगर बीच की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो इसका जो यानी कि खपत होता है इससे अधिक होता है, किससे यानी कि एमसी की तुलना में एमआई की खपत जो होता है यानी कि अधिक होता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा है तो बराबर नहीं होता, ये जो होता है अधिक, जो कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो बी सही हो जाएगा, जबकि सी में दिया है कम, कम नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है वोल्ट मीटर की तुलना में अमीटर की लागत है, किसके तुलना में, वोल्ट मीटर की तुलना में, अब वोल्ट मीटर से तुलना कर रहा है यानी कि अमीटर का, और दोनों की अगर लागत की अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक लागत जो होता है, ठीक है ना, अमीटर की लागत क्या होता है यानी कि कम होता है वोल्ट मीटर की अपेक्षा, ठीक है, अमीटर का लागत कम होता है वोल्ट मीटर की अपेक्षा। राइट आंसर जो दिया है कम, ऑप्शन सी में दिया है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अधिक नहीं होता है, नहीं समान होता है। आगे बढ़ेंगे आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, आप कैसे पहचानेंगे कि मीटर एमआई टाइप है या एमसी टाइप का है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में दिया है स्केल के प्रकार से, ए में क्या कह रहा है स्केल के प्रकार से, बी में कह रहा है यानी कि टर्मिनल मार्किंग से, ठीक है, सी में कह रहा मीटर प्लेट पर दिए गए चिन्ह द्वारा, डी में कह रहा उपयोग सभी से, तो सभी से पहचान कर सकते हैं, ठीक है ना, करेक्ट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आज का अगला प्रश्न जो दिया है, परिपथ की शक्ति मापने के लिए प्रयुक्त मीटर डैश कहलाता है, यानी कि शक्ति मापने के लिए, और शक्ति जो मापा जाता है यानी कि वाट मीटर के द्वारा। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में दिया है किलोवाट, एनर्जी मीटर का है, एमीटर के द्वारा क्या मापते हैं, करंट मापा जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्ट मापते हैं, वाट मीटर के द्वारा शक्ति मापते हैं। राइट आंसर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आज का अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया हुआ है विद्युत ऊर्जा को मापने वाला मीटर है, विद्युत ऊर्जा कह रहा है, ठीक है, और विद्युत ऊर्जा को जो मापते हैं किलो वाट घंटा, जिसको यानी कि एनर्जी मीटर, ठीक है, एनर्जी मीटर कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में दिया है एनर्जी मीटर, राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी में दिया है एस्पेरोमीटर, तो एस्पेरोमीटर ऊर्जा नहीं मापता है, ठीक है ना। सी में दिया टेकोमीटर, इसके द्वारा स्पीड मापा जाता है, टेकोमीटर के द्वारा स्पीड मापते हैं, ध्यान रखिएगा। वाट मीटर के द्वारा क्या मापते हैं, शक्ति मापते हैं, पावर मापते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमोमीटर प्रकार के वाट मीटर डैश पर प्रयुक्त होते हैं, डायनेमोमीटर प्रकार के, देखिए कह रहा है यानी कि डायनेमोमीटर प्रकार के, और डायनेमोमीटर प्रकार के वाट मीटर एसी पे भी वर्क करता है और डीसी पे भी, यानी कि दोनों पे वर्क करता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, केवल एसी पे, केवल एसी पे काम नहीं करता है, न केवल डीसी पे, दोनों पे काम करता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आज का अगला प्रश्न दिया है, प्रायः प्रयोग होने वाले सिंगल फेज ऊर्जा मीटर डैश होते हैं, यानी कि सिंगल फेज ऊर्जा मीटर, और दोस्तों यानी कि सिंगल फेज ऊर्जा मीटर की बात किया जाए, ये इंडक्शन प्रकार का होता है, किस प्रकार का, इंडक्शन प्रकार का होता है, इंडक्शन यानी कि टाइप होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में कह रहा है डायनेमोमीटर प्रकार, डायनेमोमीटर प्रकार नहीं, नहीं रासायनिक प्रकार है ये जो है, यानी कि इंडक्शन प्रकार, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, और राइट आंसर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न आज का दिया है, किसी डीसी परिपथ की ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला ऊर्जा मीटर डैश होते हैं, यानी कि डीसी परिपथ की ऊर्जा मापने के लिए, और दोस्तों यानी कि डीसी परिपथ के लिए ऊर्जा जो मापते हैं, ठीक है ना, डीसी परिपथ के लिए जो ऊर्जा मापा जाता है ये आपको एम्पियर घंटा प्रकार का होता है, ठीक है ना, एम्पियर घंटा में मापते हैं, किसमें, एम्पियर घंटा में। ऑप्शन किसमें दिया है, एम्पियर घंटा, एम्पियर आवर जो दिया है किसमें दिया है, ए में दिया हुआ है एम्पियर घंटा, जो कि राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल फेज मीटर की जरूरी आवश्यकताएं हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन ए में दिया हुआ है अभिलेखन यंत्र, तो अभिलेखन यंत्र होना है, प्रचालन यंत्रावली भी है,
होना आवश्यक है और चल यंत्रावली भी होना आवश्यक, यानी कि सभी आवश्यक है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब कुंडली डैश की बनी होती है, कौन सा कुंडली यानी कि दाब कुंडली। और दोस्तों यानी कि दाब कुंडली जो बना होता है ये होता है यानी कि पतला तार, ठीक है, पतला तार का अधिक लपेट, यानी कि अधिक बार उसको लपेटेंगे तब ये दाब कुंडली बनता है, यानी कि अधिक लपेट। ए में दिया है यानी कि महीन तार का यानी कि अधिक लपेट, तो राइट आंसर ऑप्शन यही में दिया हुआ है, क्योंकि दाब कुंडली में यानी कि अधिक लपेट होता है साथ ही साथ महीन तार होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, ऊर्जा मीटर की गति डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है, की जा सकती, किसका, ऊर्जा मीटर का। और ऊर्जा मीटर की अगर गति की बात किया जाए तो यानी कि ब्रेकिंग, ठीक है, ब्रेकिंग चुंबक द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, ए में करा संट चुंबक के द्वारा, तो संट चुंबक के द्वारा यानी कि नियंत्रित नहीं करता इसको, जो नियंत्रित किया जाता है ब्रेकिंग चुंबक के द्वारा, जो कि बी में दिया हुआ है, राइट आंसर बी सही हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।